बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ असगर अली फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। वेलकम यू ऑल अगेन इन एनव्यू मॉड्यूल्स। इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू रन मैट्रिक्स क्वेरी बाय यूजिंग एनवीओ सॉफ्टवेयर। दिस इज़ द 17th सेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक प्रीवियस सेशंस आए सीखते हैं कि मैट्रिक्स क्वेरी कैसे रन की जा सकती है एनवीओ सॉफ्टवेयर में और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर एनवीओ सॉफ्टवेयर। ओके, आप सबसे पहले जाएंगे क्वेरी में। क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपने देखा कि प्रीवियस 3 सेशंस के अंदर हमने टेक्स्ट, वर्ड और कोडिंग क्वेरी को रन करना सीखा। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्वेरी को कैसे रन किया जाता है। आप मैट्रिक्स क्वेरी पे क्लिक करें, मैट्रिक्स कोडिंग पे, और मैट्रिक्स कोडिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एक विंडो अपीयर हुई है, इसमें आपके सामने रोज हैं, कॉलम्स हैं। लाइक से आप रोज पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन में गया और मैंने इसको कहा कि जनाब मुझे केसेस को सिलेक्ट कर दिया, मैंने केस नोट्स को, ये सारे के सारे केसेस, उसको मैंने ओके किया। अब ये देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। मसलन हमने रोज के अंदर क्या पुट किया, केसेस को, तमाम ऑथर्स को जिनके आर्टिकल्स एंड नोट के थ्रू इंपोर्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू लिस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया, अगेन सिलेक्ट करूंगा। अब मैं नोट्स में जाऊंगा, तमाम तो आप कर सकते हैं, सारे नोट्स की या फ्रीक्वेंसी ले लें। मैंने नोट्स को सिलेक्ट किया, ऐड टू लिस्ट किया। किया क्या, मैंने रोज के अंदर तमाम ऑथर्स को लिया जो एज ए केस हमने सेव किए हुए थे, कॉलम्स के अंदर तमाम नोट्स को मैंने पुट किया। करने के बाद मैं इसको रन करूंगा और जैसे ही मैंने क्वेरी रन की तो ये आप देख सकते हैं कि इसने किया क्या, रोज के अंदर तमाम ऑथर्स को इसने कर दिया। ये देखें, एंडरसन है, कॉविन है, कॉविन है, कॉविन है, डेस है, क्रेजियर है, स्लेवन है, और उसके सामने तमाम नोड्स जो हमने क्रिएट किए थे, पहला कोडिंग क्वेरी का, एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप, उन सब को कॉलम वाइज हमारे सामने शो कर दिया। ये देखें, इनको ट्रैक कर सकते हैं आप। अच्छा, आप चाहें तो सिलेक्टेड नोड्स भी ले सकते हैं। हम सिलेक्टेड लेके देखते हैं ताकि विजिबल हो जाए ये सॉफ्टवेयर हमें। मैं दोबारा से रन करता हूँ। मैट्रिक्स रोज के अंदर हमने सिलेक्ट किया और केसेस भी हम सारे नहीं लेते, हम ये सिर्फ 3 केसेस ले लेते हैं, हम एंडरसन को, कॉविन को और डेस्क को मैंने सेलेक्ट किया। कॉलम्स में जाऊंगा तो मैं फिर सेलेक्ट करूंगा, मैं सारे नोड्स नहीं ले रहा, प्रीवियस क्वेरी में हमने सबको लिया था, मैं सिर्फ ले लेता हूं एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटर बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरियल और कोडिंग क्वेरी, ये 4 नोड सिर्फ मैं ले रहा हूं। लेने के बाद मैंने इसको भी ऐड कर दिया, रो के अंदर इनको भी आपने ऐड कर दिया, इसको रन किया। अब ये देखें इसने क्या किया कि आपके पास क्रॉस टेबुलर फॉर्म के अंदर एक तरफ रोज के अंदर ऑथर्स और उनके सामने टॉप पे कॉलम्स के अंदर नोड्स और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी बता दी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। मसलन आप इस पे क्लिक करें किसी एक में तो वो आपको फर्दर उस टेक्स्ट के अंदर ले जाएगा। मैं दोबारा ये डिटेल में बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करें, व्यू में जाएं, व्यू में जाके ये नोट मैट्रिक्स पे क्लिक करके आप चाहें तो इसके कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी कलर स्कीम चेंज कर दी। कलर स्कीम को आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई और कलर भी दे सकते हैं, ये सिर्फ ब्लू, और चाहें तो आप की मर्जी है, इट वुड बी योर चॉइस कि कौन सा कलर आपको सूट करता है। किया क्या, उसने कहा कि जो एंडरसन है कोडिंग क्वेरी के अंदर इसके 113 रेफरेंस अपीयर हो रहे हैं, और इसी तरह एंटरप्रेन्योरियल के अंदर 122 हैं, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के अंदर 2 हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 14 हैं। तो ये इसने हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एक टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये देखना चाहूँगी वो कौन से 113 रेफरेंस हैं जो एंडरसन ने कोडिंग क्वेरी के बारे में कहे हैं, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये मुझे सोर्स वाइज एंडरसन के वो तमाम वर्ड्स जहाँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल का लफ्ज़ है या जो हमने कोड जनरेट किया उन पर ले जाएगा। ये देखें, अच्छा इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो ये इनका चार्ट भी क्रिएट कर देता है। ये वो 4 हमारे पास नोड्स हैं और इस तरफ 3 ऑथर्स हैं, ये आपको चार्ट भी क्रिएट कर देता है। वापस चलते हैं, हमने ये जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है, मैट्रिक्स के एक तरफ हमारे पास ऑथर्स हैं, दूसरी तरफ टॉप पे कॉलम वाइज हमने नोड्स रखे हैं।
तो ये आपको नोड्स की फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स के अंदर क्रिएट कर देती है, जिसका नाम है मैट्रिक्स क्वेरी। इसको आप चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट नोड मैट्रिक्स। आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट कर लें, राइट क्लिक करने के बाद एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। सो दिस वॉज अबाउट मैट्रिक्स क्वेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।